नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कांग्रेस सेवा दल ने धारण किया एक घंटे का मौन। केंद्र एवं राज्य शासन की पहल पर किसानों के खाते में आई सम्मान निधि। प्रदेश के 20 लाख तथा जिले के 49,000 किसान लाभान्वित। लोक अदालत में दुर्घटना के शिकार हुए सैन्य कर्मी के परिवार को राजीनामे के पहले केस में मिली बड़ी मुआवजा राशि। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कोताही बरतने एक्सिस बैंक मुख्यालय को किया गया सील। और दुर्लभ प्रजाति के दो मुहा सांप के सौदे के प्रयास में चार आरोपी पकड़ाए, एक फरार। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल ने राष्ट्रपिता को दी श्रद्धांजलि और एक घंटे दिया मौन धरना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का जघन्य अपराध नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को किया था। कृतज्ञ राष्ट्र आज के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों में अपनी आस्था व्यक्त करता है। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए कांग्रेस पार्टी ने शीर सागर स्थित गांधी पार्क पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, कमल पटेल, प्रदेश संयोजक अरुण वर्मा, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, डॉक्टर बटुकशंकर जोशी, इकबाल भाई, माया राजेश त्रिवेदी आदि मौजूद थे। आजकल देखने में आया कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा जी को हमसे छीना। देश के आज़ादी के साल भर बाद ही आज वो लोग भी महात्मा जी का फोटो लेके अपने साथ घूमते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और अन्य अन्य संगठन, हम उनका प्रतिकार करते हैं, उनका विरोध करते हैं। किसानों के साथ में केंद्र सरकार जो जिस टाइप से खिलवाड़ कर रही है, उनके साथ में लाठीचार्ज कर रही है, उनके साथ में हमारे रोज़ किसानों की कहीं ना कहीं रोज़ जान जा रही है, क्योंकि तीन जो काले कानून लाए उनको वापस करने के विरोध में हम उनका, किसानों का हमारा सेवा दल और कांग्रेस पार्टी सब समर्थन करते हैं। हम देखते हैं कि यदा कदा अवसरवादी लोग इस तरह से इन सब आयोजनों का लाभ लेना चाहते हैं, पर कुल जमा यह है कि किसी भी बहाने वो लोग इस यहाँ तक पहुँच करके महात्मा गांधी जी के बारे में मनन करें, समझें और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, यही हम सबको संदेश देना चाहते हैं। ये मौन धरना है और इसके माध्यम से जो देश के किसान उन्होंने आंदोलन कर रहे हैं उनके समर्थन में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ है। और इस प्रकार से पूरे देश भर में सेवा दल धरना देकर आज उस काले कानून का कड़ा विरोध करता है। महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल पर कांग्रेस सेवा दल ने दिल्ली में अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे किसानों के खिलाफ दमनात्मक नीति एवं उनके खिलाफ साजिशों के विरुद्ध एक घंटे का मौन धरना देकर किसानों का समर्थन किया और शासन की दमनकारी नीति का विरोध किया। इस मौन धरने का नेतृत्व कांग्रेस सेवा दल के अरुण रोचवानी और राजेश लश्करी ने किया। अभी आज गांधी जी की पुण्यतिथि पे हम लोगों ने यह धरना इसीलिए दिया है कि किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसके विरोध में हैं और किसानों के साथ खड़े हैं, इसीलिए हमने ये धरना यहाँ पर। आज का दिन क्यों चुना आपने, गांधी जी की पुण्यतिथि को देखी? आज का दिन चुनने के पीछे मेन उद्देश्य यह है कि हम लोग गांधीवादी लोग हैं, किसान का जो आंदोलन चल रहा था वो भी पूर्ण रूप से गांधीवादी तरीके से ही चल रहा था, तो यह हम मैसेज देना चाहते हैं जनता को कि गांधीवादी आंदोलन को यदि कुचलने का प्रयास या सरकार करेगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका जवाब गांधीवादी तरीके से दिया जाएगा। गांधी जी की पुण्यतिथि शहीद दिवस पर बृहस्पति भवन और एसपी कार्यालय में रखा गया 2 मिनट का मौन, दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को देश में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में शहीदों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। बृहस्पति भवन में संभाग आयुक्त श्री संदीप यादव, कलेक्टर श्री आशीष सिंह एवं एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी एवं समस्त कर्मचारियों ने शहीदों को मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इसी तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह, ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भूरिया, हेडक्वार्टर डीएसपी अरविंद तिवारी, आरआई जयप्रकाश आर्य, निरीक्षक रवि चौबे, कंट्रोल रूम प्रभारी संजय सिंह राजपूत, आरक्षक दिनेश द्विवेदी सहित सभी पुलिसकर्मियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विक्रम विश्वविद्यालय के जीवाजी राव पुस्तकालय में पूर्व कुलपति आरसी वर्मा ने महात्मा गांधी और उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाइस चांसलर अखिलेश कुमार पांडे ने की। इस अवसर पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। प्रदेश भर के किसानों को वितरित की गई सम्मान निधि। किसानों के खाते में डाले गए 10,000 रुपए। प्रदेश के किसान लाभान्वित होंगे महत्वाकांक्षी योजना के लागू होने से। प्रधानमंत्री द्वारा दिए 6,000 रुपयों में 4,000 रुपए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी जोड़े जाएंगे। उक्त योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए शहर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष ने बताया, इसमें उज्जैन जिले में 49,267 किसानों को कुल 9,85,84,000 रुपए की राशि आज पहुँच चुकी है। इस योजना से प्रदेश में 20 लाख तथा जिले में करीब 49,000 किसानों को सम्मान निधि प्राप्त होगी। ग्राम पंचायत दताना के सरपंच नासिर पटेल ने कहा, इस लाभदायक योजना के तहत मिली सम्मान राशि से सभी किसानों में हर्ष की लहर है तथा वे प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो सभी किसानों को जो है खुशी की लहर है और सभी किसान बहुत ही खुश है और खुशी की लहर है किसानों। भारतीय सैनिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी से समझौता करवाकर एक बड़ी राशि सैनिक के परिजनों को मंजूर की गई। उज्जैन सचिव एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन पद्मेश शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया से चर्चा में बताया, भारतीय सेना में टैंक चलाने वाले सैनिक श्री राजीव वर्मा की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसकी क्लेम राशि संबंध में उनकी पत्नी और बच्चों ने उज्जैन जिला न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेंद्र प्रताप सिंह ने उपरोक्त प्रकरण राजीनामा से निराकृत करने के प्रयास प्रारंभ किए। इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया ने प्राधिकरण की भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए प्रकरण के निराकरण में विशेष रुचि ली। उज्जैन जिले के इतिहास में पहली बार किसी क्लेम प्रकरण में राजीनामे के आधार पर 75 लाख रुपए की राशि का अवार्ड हुआ। सुखद पहलू इसमें है कि हम इस लोक विशेष लोक अदालत के माध्यम से एक राजू वर्मा जो कि भारतीय सेना का जवान था, उसकी असामयिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उसके परिवार और बच्चों को हम एक क्षतिपूर्ति के रूप में एक बहुत बड़ी राशि करीब 75 लाख रुपए का अवार्ड हमने पारित किया है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यह अवार्ड की राशि उसे नकद दी जाए, जिससे कि वह उसके परिवार को जो आर्थिक क्षति हुई है और कोविड के कारण से जो आर्थिक क्षति उसके परिवार को भुगतनी पड़ी है उसको कम किया जा सके। इस प्रकार की लोक अदालत का ये होता है कि फ़ायदा सबसे अच्छा ये है कि हमारे पास जो अन्य गंभीर प्रकार के जो प्रकरण पड़े हुए हैं, जैसे जो मुलजिम जेल में हैं, हत्या के मुकदमे हैं, बलात्कार के मुकदमे हैं, उन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण के लिए हमारे पास समय मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि इस विशेष लोक अदालत में करीब 25 से 30 प्रकरणों का निराकरण होगा और जिसमें से सबसे बड़ा अमाउंट हम ये भारतीय सैनिक जो सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई है उसको 75 लाख रुपए का अवार्ड बीमा न्यू इंडिया कंपनी के सहयोग से उन्होंने आउट ऑफ वे जाके हमारा उस सैनिक के परिवार की मदद करने के लिए जो उन्होंने सहयोग दिया है, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। ये हमारे भारतीय सेना के प्रति एक आदर और सम्मान का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन देने में कोताही बरतने पर कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक्सिस बैंक की मुख्य शाखा को सील करा दिया। आत्मनिर्भर अभियान के तहत कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20.97 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में पटरी गुमटी दुकानदारों को एक साल के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपए का लोन दिया जाना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदकों को लोन देने में कोताही बरतने पर उज्जैन कलेक्टर ने बड़ी कार्यवाही करते हुए शुक्रवार शाम एक्सिस बैंक की मुख्य शाखा को सील कर दिया। बैंक ने पिछले 3-4 महीने में सिर्फ 2 आवेदकों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए का लोन दिया।
जबकि 114 लोगों ने लोन के लिए आवेदन किया है। बैंक की इस लापरवाही से नाराज कलेक्टर ने बैंक की उज्जैन शाखा को सील करने के आदेश दिए। आज कलेक्टर महोदय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा बैठक आहूत की थी। इस योजना के अंतर्गत शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को ₹10,000 बिना ब्याज के दिए जाने का प्रावधान है। सभी बैंक ऐसे बैंकों को आहूत किया गया था कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत कम है या जीरो है, तो उसमें ये एक्सिस बैंक वाले भी हैं कि जीरो प्रोग्रेस है, उसके बावजूद भी आज बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई और ब्रांच को सील करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आगर रोड से 2 करोड़ का 2 मुहा सांप बरामद कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं 1 आरोपी फरार हो गया। बीते दिनों टाइगर की खाल बेचने निकले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी से पूछताछ में कुछ इनपुट मिले, जिसके चलते आज पुलिस ने आगर रोड से 4 तस्कर से दुर्लभ प्रजाति का रेड सैंड बोआ बरामद किया। घेराबंदी के दौरान 1 आरोपी भागने में सफल हुआ। पकड़ाए 4 आरोपियों में मनोज पिता जयंतीलाल जैन, राधेश्याम पिता गणपत, कैलाश पिता मोतीलाल सुतार व किशोर सिंह नामक तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े। इनका एक अन्य साथी दीपक फरार हो गया। पकड़ाए दुर्लभ 2 मुहे सांप की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। यह मेडिसिन में कारगर है, ब्लैक मार्केट में इसकी काफी डिमांड है। वन्य तस्करी में यह कार्रवाई उज्जैन पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में देखी जा रही है। इस प्रजाति का सांप बालू में छुपकर शिकार करता है, जिसके चलते इसे रेड सैंड बोआ कहा जाता है। ये चपलान के तस्कर हैं। हमने इनको जब गिरफ्तार किया तो पता लगा कि ये चपलान लगभग 3 किलो से ऊपर की है और इसकी इंटरनेशनल कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर की आकी जा रही है। वन विभाग को सौंप दिया गया, आगे की कार्रवाई कोर्ट और वन विभाग द्वारा की जाएगी। कैटरिंग का कार्य करने वाले लोगों को ले जा रही आयशर पलटने से 7 लोग घायल हो गए, वहीं 1 की मृत्यु हो गई। उज्जैन के उन्हेल पलसोड़ा मकड़ावन के बीच तेज रफ्तार आयशर पलटी खा गई। हादसे में 7 मजदूर घायल हुए और 1 की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर डायल 100 पहुंची और घायलों को इलाज के लिए उन्हेल और इंगोरिया के अस्पताल में भर्ती किया गया। इसके बाद औपचारिक इलाज कर उज्जैन के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। मैं सर से अंदर आ रहे थे, रास्ते में आयशर पलट गई। कहां पे हुआ ये? सर गांव का तन पता नहीं, ये उन्हेल के आसपास से। कितने लोग सवार थे और कितने घायल हुए? 11 जने थे। कितने लोग घायल हुए? 11 से 5 घायल हुए। एक लोग की मृत्यु हो गई। 7 लोग आए यहाँ पर, जिसमें से 1 मृत लाया गया है और 2 लोगों को हड्डी में चोट आई तो हड्डी वार्ड में भर्ती करा दिया। बाकियों को मामूली चोट है तो उनको भर्ती करा दिया। बी वार्ड में खरोचे आई है और सिर में कुछ चोटें आई है। आयशर में कैटरिंग का सामान भरा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आयशर क्रमांक MP09GF9029 हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। ये बेसिकली इंगोरिया थाने के अंतर्गत आता है और इसमें एक आयशर गाड़ी थी जो पलट गई है और इसमें कुछ लोग अभी घायल हुए, जिनको घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया है और बाकी पुलिस अभी मौके पर है। कुछ और भी जो फैक्ट आएंगे वो अपडेट की। शहर में आवारा मवेशियों की समस्या बरकरार, गाय के मारने से 1 वृद्धा घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद नगर में आवारा मवेशियों की समस्या यथावत बनी हुई है। सुदामा नगर निवासी गौपालक रवि ठाकुर की गाय ने पहले भी मालीपुरा में 1 व्यक्ति को घायल करा था। ताजा घटना में गौपालक राहुल एवं रवि ठाकुर की गाय ने सुदामा नगर निवासी 80 वर्षीय वृद्धा पुनिया बाई को घायल कर दिया, जो अस्पताल में भर्ती है। गौरतलब है कि प्रशासन ने उक्त गौपालकों का अवैध बाड़ा भी तोड़ा था। घायल वृद्धा पुनिया बाई के पोते अजय राय ने घटना की जानकारी देते हुए बताया। इनको पहले भी सूचित कर दिया गया है कि आपकी गाय है मारने वाली, तो इसे आप रखें संभाल के या बांध करके रखें। अभी कुछ दिनों पूर्व भी मालीपुरे में एक वृद्ध को मार दिया था गाय ने उनकी, और उसके उनके अवैध निर्माण को नगर निगम द्वारा ध्वस्त किया गया था। उन्होंने वापिस अवैध निर्माण पुनः स्थापित कर लिए और आज हमारी दादी जी को गाय ने मारा है। विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय में सिर्फ विक्रम लिखे जाने पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रति संपूर्ण सम्मान भाव प्रकट नहीं होते। इस कमी को पूरा करने के लिए विक्रम विश्वविद्यालय का नाम सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए वीसी अखिलेश पांडे ने बताया। देखिए, विक्रम विश्वविद्यालय मुख्य रूप से सम्राट विक्रमादित्य के नाम के ऊपर ही है,
हमारे अभी 22 तारीख को जो बैठक हुई है उसमें हमारे अपने कुछ कार्य परिषद के सदस्यों ने इस बात का एक प्रस्ताव रखा कि इसमें सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय जो है उसका नाम बदल के सम्राट, उसके पहले सम्राट जोड़ा जाए, सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय ऐसा किया जाए। लेकिन ये प्रक्रिया जो है शासन के लेवल से होनी है, प्रस्ताव बना करके शासन विश्वविद्यालय भेजेगा। लेकिन महत्व को देखता हुआ मैं भी इससे सहमत हूँ कि जिस तरीके से ये विश्वविद्यालय में और इस क्षेत्र में विक्रमादित्य का साम्राज्य रहा है, उनकी न्याय प्रियता या जो लोक प्रियता थी उसको ध्यान में रखते हुए इसको किया जाना सर्वथा उचित है। नक्षत्र वाटिका जीवाजी वेदशाला में अहम उपलब्धि, जिज्ञासुओं को मिलेगी बहुउद्देशीय खगोलीय जानकारियाँ। अवंतिका नगरी अर्थात उज्जैन शहर का प्राचीन काल से ही खगोलीय महत्व रहा है। सौर मंडल के प्रमुख ग्रह मंगल का जन्म स्थान उज्जैन ही है। कर्क रेखा भी उज्जैन से ही निकलती है। नगरवासियों तथा बाहर से आए पर्यटकों को जीवाजी वेदशाला में आने पर आकाशीय घटनाक्रमों, ऋतु चक्रों और मौसम के उतार चढ़ाव की जानकारी मिलती है। पिछले दिनों जीवाजी वेदशाला को नक्षत्र वाटिका के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई। नक्षत्र वाटिका से प्राप्त होने वाले खगोलीय घटनाओं, ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति, उनके परिभ्रमण तथा अंतर्राष्ट्रीय समय की जानकारी देते हुए वेदशाला अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने विस्तार पूर्वक बताया। ये सौर परिवार का चित्र है, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे सूर्य है तो सूर्य का घूर्णन काल कितना है, मतलब सूर्य अपनी धुरी पर कितने समय में चक्कर लगाता है, तो 25 दिन 8 घंटे 24 मिनट में पूरा चक्कर लगाता है। परिभ्रमण काल तो सूर्य पूरा हमारा सोलर सिस्टम आकाशगंगा के चारों चक्कर लगाता है, वो 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। सूर्य का व्यास दिया हुआ है, आकाशगंगा के केंद्र से दूरी दी हुई है 28,000 प्रकाश वर्ष। इसी प्रकार से सभी अगर प्लेनेट्स देखेंगे तो इनका घूर्णन काल, परिभ्रमण काल, इनका व्यास, इनके उपग्रह, इनकी सूर्य से दूरी और कक्षीय झुकाव, ये पूरा दिया हुआ है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। ये एक घड़ी जिसको वर्ल्ड क्लॉक बोलते हैं, इसमें हम किसी भी एक समय के हिसाब से दुनिया में कहाँ कैसा समय होगा वो हम पता कर सकते हैं। जी पूरी आप 12 राशियाँ देख रहे हैं, पूरे 27 नक्षत्र देख रहे हैं और उनकी स्थिति देख रहे हैं। पूरी जो 12 राशियां हैं उन 12 राशियों की स्थिति को बताया गया है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि इनका आकार, जैसे मेष राशि है तो मेष राशि का आकार कैसा है, उनके तारे किस प्रकार के हैं, उनको रेखांकित किया गया है। फिर ये आकाश में कैसे दिखते हैं, तो ये हमारी आकाशीय स्थिति है। और इसके साथ साथ इसकी वनस्पति कौन सी है उसको लगाया गया है। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज के मौसम पर। अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शहर कांग्रेस ने किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कांग्रेस सेवा दल ने धारण किया एक घंटे का मौन। केंद्र एवं राज्य शासन की पहल पर किसानों के खाते में आई सम्मान निधि। प्रदेश के 20 लाख तथा जिले के 49,000 किसान लाभान्वित। लोक अदालत में दुर्घटना के शिकार हुए सैन्य कर्मी के परिवार को राजीनामे के पहले केस में मिली बड़ी मुआवजा राशि। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कोताही बरतने, एक्सिस बैंक मुख्यालय को किया गया सील। और दुर्लभ प्रजाति के दो मुहा सांप के सौदे के प्रयास में 4 आरोपी पकड़ाए, एक फरार। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।